अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के अगर अभी तक आपने मेंबर नहीं बने हैं तो मेंबर भी बन दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स दी गई है, ज्वाइंट मेंबरशिप बन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। हमारे चैनल पर अगर स्पॉन्सरशिप करना चाह रहे या कोलैबोरेशन करना चाह रहे तो उसके लिए भी वेलकम है। ईमेल के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आर्योग्रेसरी हेल्थ कार्ड के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। आर्योग्रेसरी हेल्थ कार्ड सेंटर्स कहाँ पे है और कौन से डिजीजेस ऑपरेशन आप फ्री में कर सकते हैं आर्योग्रेसरी स्कीम के अंडर, और गवर्नमेंट कितना यहाँ पे अमाउंट देती है, आज की वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देखिए, अपने भाइयों को अपने फैमिली में भी जरूर शेयर करिए। पहले तो याद रख लीजिए, आर्योग्रेसरी हेल्थ कार्ड जो है, ये हेल्थ कार्ड केसीआर गवर्नमेंट से पहले की गवर्नमेंट ने जो है ये इन्वेंट किया था, बनाया था और लागू किया था, और अभी भी जो है ये सिलसिला चल देते आ रहा है। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इजाफा किया है और ज़्यादा इसको अपडेट किया है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिजीज जो है ऐड किया है, यानी कि आपको फ्री ऑपरेशन जो है करने को मिलेंगे। और ये BPL बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ही रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा। ये एक जो है सिटीजनशिप कम्युनिटी स्कीम है बेहतर करने के लिए। तो पहले तो आर्योग्रेसरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पे है वो देख लीजिए। मैत्री हेल्थ केयर सेंटर बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी है। आर्योग्रेसरी हेल्थ केयर सेंटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थर्ड फ्लोर बिसाइड्स कोठी मैटर्निटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार पे एक है। आर्योग्रेसरी हेल्थ केयर सेंटर पंजागुट्टा ऑफिसर कॉलोनी पंजागुट्टा पे है। 0402345293 इसका जो है फोन नंबर है। और एक आर्योग्रेसरी हेल्थ केयर ट्रस्ट रोड नंबर 46 जुबली हिल्स हैदराबाद 0402354-7107, ये भी जो है इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब देखिए, आर्योग्रेसरी हेल्थ स्कीम के लिए, आर्योग्रेसरी हेल्थ केयर स्कीम को अप्लाई करने के लिए जिसके पास वाइट राशन कार्ड है और वो आप जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। आप पहले तो परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, तेलंगाना के रेसिडेंट को ही ये अलाउ है, दूसरे रेसिडेंट को अलाउ नहीं है। यानी कि बहुत जने जो है आंध्र प्रदेश से या कोई और डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पे जो है अपना घर बसाते हैं, उन लोग के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आर्योग्रेसरी हेल्थ कार्ड की। सिर्फ ये जो है जो तेलंगाना में ही पैदा हुए हैं, हैदराबाद में तेलंगाना में, उनके लिए ही ये स्कीम है। आर्योग्रेसरी हेल्थ केयर स्कीम के डॉक्यूमेंट का क्या है नोट डाउन कर लीजिए। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना होना है आप, आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है, राशन कार्ड व्हाइट राशन कार्ड होना जरूरी है, उसके बाद एज प्रूफ होना है, आपकी एज क्या है, आप SSC सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं या अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मी सेवा में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, आर्योग्रेसरी जो है वो एक कम्युनिटी स्कीम है जो कि आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, सिटीजन्स का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो है ये ऐलान किया है। एवरी ईयर जो है आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, कोई भी सीरियस डिजीजेस, कोई भी सीरियस ऑपरेशन, कोई भी बीमारी हुई तो आपको। अब वो आर्योग्रेसरी जो है स्कीम है उसमें कौन से बीमारियां, कौन से डिजीजेस और ऑपरेशन कवर होते हैं वो देख लीजिए। हार्ट का ऑपरेशन यहाँ पे होता है आर्योग्रेसरी स्कीम में फ्री। उसके बाद लंग्स का ऑपरेशन होता है, उसके बाद पैंक्रियस का ऑपरेशन होता है, किडनी का ऑपरेशन होता है, लिवर, उसके बाद नीरो सर्जरी, प्रोस्थेसिस, उसके बाद बर्न्स अगर कुछ जल गया तो, पॉलीट्रोमा, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑल टाइप्स के कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, हीमोथेरेपी, ठीक है। तो ये 10 बीमारियां हैं और ज़्यादा भी है, लेकिन अभी मैं आपको 10 बताया हूँ आज की वीडियो में, ये कुछ 10 बीमारियां हैं, इससे ज़्यादा भी है, ये जो है आपको कवर होते हैं आर्योग्रेसरी हेल्थ केयर स्कीम में। यानी कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई, आपको सीरियस बीमारी का ऑपरेशन करना पड़ा या कुछ भी रिप्लेस करना पड़ा इस ऑर्गन्स में, बॉडी के, तो आपको फ्री इलाज हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद जो मेडिसिन आपको लेना पड़ता है बाहर से, वो आपको जो है अपना खुद से बाई करना पड़ेगा। अब कौन से बीमारियां, कौन से डिजीजेस है जो कवर नहीं है आर्योग्रेसरी हेल्थ केयर स्कीम में, वो नोट डाउन कर लीजिए। हिप रिप्लेसमेंट कवर नहीं है, नी रिप्लेसमेंट कवर नहीं है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आप आर्योग्रेसरी में नहीं कवर कर सकते, कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, HIV और एड्स, लेप्रोसी, मलेरिया, फिलेरिया, गैस्ट्रो एंट्राइटिस और जॉन्डिस, ये कुछ बीमारियां हैं
जो है आप उसमें जो है आर्योग्यश्री हेल्थ केयर स्कीम में ये कवर नहीं होते। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में डिटेल्स मालूम हो गई होंगी। आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिए, इसके डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता दिया हूँ और ये जो है कौन से डिजीजेस कवर करता है ये भी आपको मैं बता दिया हूँ। आर्योग्यश्री हेल्थ केयर सेंटर को जाने से पहले आपके पास जो है राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप व्हाइट राशन कार्ड नहीं बनाए अभी तो पहले व्हाइट राशन कार्ड बना लीजिए। व्हाइट राशन कार्ड बनाए बाद फिर आप जो है आर्योग्यश्री हेल्थ केयर स्कीम के ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। एवरी ईयर आपके फैमिली में कितने भी जने रहें दो, एवरी ईयर जो है आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को 1.5 लाख से 2 लाख तक जो है कवर किया जाता है ये जो बीमारी मैं अभी बताया हूं, अगर ये बीमारियों में जो है वो लोग मुब्तला है या जो है इसमें इवॉल्व है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त अपने भाई कामरान को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं एक न्यू टॉपिक के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर कोई भी हमारे चैनल पर स्पॉन्सरशिप करना चाह रहे तो ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन भी वेलकम करता हूं हमारे चैनल पर। अपने भाई को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।